3 मई को लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही पंजाब सरकार ने अपने यहाँ 2 हफ्तों के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब पंजाब में 17 मई तक कर्फ्यू लागू हो गया है। हालांकि इस दौरान रोज शाम 4 घंटे के लिए दुकानें खुलेंगी। इस बारे में घोषणा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कर्फ्यू में रोजाना 4 घंटे तक लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आ सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों को सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द यूज करने का सुझाव दिया है। कुछ दिन पहले देश भर के सरपंचों से बात करते हुए पीएम ने 2 गज की दूरी बरतने का मैसेज दिया था, जिसके बाद अब सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द यूज करने की सलाह दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे सरकार का मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग से समाज से दूरी का संदेश जा रहा था, जबकि ये एक दूसरे से दूरी बनाने की कवायद थी। देश भर में 31,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से अब तक करीब 8,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में करीब 1,500 नए केस सामने आए हैं, जबकि 650 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र अभी भी 9,000 से ज्यादा मामलों के साथ देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां अब तक 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,400 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,000 के करीब पहुंच रहा है। यहां अब तक 400 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,500 के करीब पहुंच गई है। यहां अब तक 750 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 51 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,500 के करीब पहुंच रहा है। यहां अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 370 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,500 के करीब पहुंच गया है। यहां अब तक 1,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 54 मरीज दम तोड़ चुके हैं। वहीं यूपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 के पार पहुंच गया है। यहां अब तक 34 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 462 मरीज ठीक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव केस 1,000 के पार पहुंच गया है। वहीं तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,000 के पार पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को हावड़ा में पुलिस वालों पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हावड़ा में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इस मामले में बीजेपी को राजनीति न करने की चेतावनी भी दी और कहा कि उनके राज्य में CAA और NRC से कितने लोगों की मौत हुई, इस पर वो मुंह नहीं खोलना चाहती। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सूबे के सभी कोविड अस्पतालों को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों की मौत की वजह कोरोना को न बताया जाए। हालांकि इस आरोप पर ममता सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। केंद्र सरकार ने फ्लिपकार्ट और अमेजन का देसी वर्जन तैयार किया है और इसे प्रमोट भी कर रही है। दरअसल लॉकडाउन के चलते जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में सरकार ने गांव के लेवल पर एक ऑनलाइन रिटेल चेन बनाई है। इसमें सरकार ने तेजी से बढ़ रहे आउटलेट्स को जोड़ा है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर लेंगे और होम डिलीवरी करेंगे। इस प्लान को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार ने इसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स को भी जोड़ा है। इस तरह सरकार 3,80,000 आउटलेट्स के जरिए करीब 60 करोड़ ग्रामीण लोगों तक अपनी पहुंच बना रही है। ग्राहक ऑनलाइन जाकर लोगों के लिए बनाए गए ऐप से सामान ऑर्डर कर सकते हैं।